खबर है पाकुड़ से। पुलिस निरीक्षक सुरेंद्र रविदास ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में थानेदारों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की है। पुलिस निरीक्षक ने महेशपुर, पाकुड़िया व रदीपुर थाना में अगस्त माह में दर्ज मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लंबित कांडों का अवलोकन किया। पुलिस निरीक्षक ने कहा है कि फरार आरोपियों की सूची तैयार कर गिरफ्तारी की योजना बनाएं, नियमित रूप से दिवा संध्या व रात्रि गश्ती करें, बाइक चोरों पर हर हाल पर अंकुश लगाएं, साप्ताहिक हाट के दिन सिविल ड्रेस में पुलिस अधिकारी व कर्मी को निगरानी में लाएं। पुलिस अधीक्षक ने मवेशी, बालू, कोयला, लकड़ी व पत्थर के अवैध धंधों पर नजर रखते हुए अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। मौके पर महेशपुर थाना प्रभारी दिनेश प्रसाद चौरसिया, रदीपुर थाना प्रभारी शंभु शरण सहाय तथा पाकुड़िया थाना प्रभारी मदन कुमार मौजूद थे। खबर है साहेबगंज से। पुराना मकान दिखाकर निकाल लिया पूरा पैसा। उधवा प्रखंड के सुतियारपाड़ा पंचायत में भीमराव अम्बेडकर आवास योजना में फर्जी तरीके से पैसे की निकासी कर ली गई है। इस संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता गोपाल ठाकुर ने बीडीओ राजेश एकता से शिकायत की है। उसने बताया कि समस्तापुर की लाभुक शिशु वाला बेवा को अम्बेडकर आवास मिला था। पंचायत के जनसेवक जयंत घोष ने बिचौलिया के साथ मिलकर लाभुक के बड़े पुत्र की पुराने मकान को दिखाकर पूरी राशि की निकासी कर ली। पंचायत में अन्य अम्बेडकर आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में भी नियमितता की गई है। इसकी जानकारी प्रमुख बसंती को भी दी गई। इसके बाद प्रमुख ने गुरुवार को योजना का स्थल निरीक्षण किया। प्रमुख ने बीडीओ से अनियमितता बरतने के लिए जनसेवक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। खबर है दुमका के शिकारीपाड़ा से। 10.5 लाख रुपया लेकर शिकारीपाड़ा SBI का प्रबंधक लेके भागा। भारतीय स्टेट बैंक की शिकारीपाड़ा शाखा में घोटाला की सामने बात आई है। शुक्रवार को प्रबंधक मनोज कुमार 10.5 लाख रुपया लेकर फरार हो गए। वहीं एक ग्राहक के लोन खाते में 2 दिन में 86 लाख रुपया जमा हुए और 2 घंटे में ही निकासी हो गई। SBI के रीजनल मैनेजर राजीव वर्मा के निर्देश पर जांच के लिए टीम बनाई गई है। RM ने शाखा प्रबंधक ने मामला दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। देर शाम तक प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी थी। शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी संजय सुमन ने बताया कि गबन मामला दर्ज होगा। शिकारीपाड़ा प्रखंड के पलासी गांव निवासी वाले पिंटू दत्ता ने बताया कि उसने भारतीय स्टेट बैंक में शिकारीपाड़ा शाखा से 1 लाख रुपया ऋण लिया था। 31 जुलाई को उसने लोन खाते में 27 लाख रुपया आए और 2 घंटे के बाद निकासी हो गई। 1 सितंबर को फिर उसके खाते में 27 से 32 लाख रुपये आए और 2 घंटे बाद निकासी होगी। पिंटू की माने तो पैसे आने का मैसेज नहीं आया, लेकिन निकासी का मैसेज आने के बाद डर गया। 2 सितंबर को बैंक प्रबंधक मनोज कुमार को सारी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने सर्वर डाउन होने के बाद कहकर बात को टाल दिया। 3 सितंबर को शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी संजय सुमन को आवेदन दिया। उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को जांच के लिए भेजा, लेकिन प्रबंधक ने फिर सर्वर डाउन होने का हवाला दिया। इधर RM ने बताया कि 4 सितंबर की सुबह प्रबंधक ने चेस्ट से 10.5 लाख रुपया निकाले और कैशियर से देर से आने की बात कहकर निकल गए। उसने अपना मोबाइल भी ऑफ कर लिया है। खबर गोड्डा और गोड्डा के आसपास से है। दिसंबर से भारतीय रेल का हिस्सा होगी भागलपुर गोड्डा लाइन, पैसेंजर को बड़ा तोहफा। दिसंबर से भागलपुर हसडिया गोड्डा नई लाइन भारतीय रेल का नया हिस्सा होगी। नई लाइन पर 6.5 किलोमीटर रेल लाइन और बिछाई जानी है। इस रेल सेक्शन पर 25 पुल पुलिया का निर्माण पूरा कर लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान काम में थोड़ी बाधा भी आई थी, लेकिन सब ठीक है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे आएंगे पीरपैंती, कार्यक्रम की तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। भागलपुर जिले में भाजपा ने चुनाव की तैयारी के लिए हर एक विधानसभा में बैठक करने का सिलसिला तेज कर दिया है। लगातार दौरा कर कार्यकर्ता और मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच चुनावी कार्यक्रमों में परिवर्तन हुई है। ज़्यादातर कार्यक्रम और बैठक वर्चुअल हो रही है। जिले में लगातार भाजपा के बड़े अधिकारियों का दौरा हो रहा है। जिला अध्यक्ष रोहित पांडे खुद चुनावी कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीरपैंती प्रखंड के शेरमारी बाजार स्थित प्रियदर्शनी विवाह भवन में भाजपा दक्षिणी मंडल के कार्यकर्ताओं की एक बैठक मंडल अध्यक्ष निशांत पांडे की अध्यक्षता में की गई, जिसमें बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान चला, केंद्र और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का आगामी 9 तारीख से 11 तारीख के बीच होने वाली पीरपैंती क्षेत्र के दौरे की तैयारी की चर्चा हुई है। गोड्डा व महागामा SDO की तबादला।
राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार गोड्डा जिले के गोड्डा और महागामा अनुमंडल के SDO क्रमशः संजय, PM कुजरू और हरिवंश पंडित का तबादला कर दिया गया है। गोड्डा में प्रशिक्षु काल में रहे IAS अधिकारी ऋतुराज को गोड्डा अनुमंडल का SDO बनाया गया है। ऋतुराज बीते 3 माह पूर्व ही यहां से प्रोबेशन पीरियड खत्म कर राज्य मुख्यालय गए थे। वहीं गोड्डा SDO संजय, PM कुजरू का तबादला गुमला बसिया अनुमंडल में SDO के पद पर किया गया है, जबकि महागामा SDO हरिवंश पंडित को साहिबगंज जिले के राजमहल अनुमंडल का SDO बनाया गया है, जबकि गुमला SDO जितेंद्र कुमार देव को महागामा का नया SDO बनाया गया है। जिले के बसंतराय प्रखंड के BDO शेखर कुमार की सेवा ग्रामीण विकास विभाग के वापस करते हुए सरकार ने उन्हें लातेहार का SDO बनाया है। शुक्रवार को राज्य मुख्यालय से अधिसूचना जारी होने के बाद यहां अब व्यापक प्रशासन फेरबदल हो गई है। बता दें कि बीते 2 माह पूर्व ही जिले में DC और DDC का पदस्थापन हुआ था, वहीं कोरोना काल से ही SP भी बदले गए थे। छापेमारी में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। गोड्डा जिले के हनवारा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त छापेमारी में शराब तस्करों की धर दबोचा गया है। वहीं छापेमारी टीम ने भारी मात्रा में अवैध देसी शराब और जावा महुआ को नष्ट किया। बीते गुरुवार की शाम को हनवारा थाना क्षेत्र उत्पाद अधीक्षक अवधेश कुमार सिंह की अगुवाई में देसी शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें हनवारा थाना क्षेत्र की शिवापति गाँव में बैजाचक से करीब 125 मीटर महुआ शराब और 1.5 क्विंटल जावा महुआ को छापेमारी दल ने नष्ट किया। मौके पर 2 शराब तस्करों को टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों में बैजाचक गांव का मानिक पासी और भागलपुर का शराब तस्कर दिनेश कुमार शामिल है। दोनों को झारखंड की सीमा से गिरफ्तार किया गया। शराब कारोबारी मानक पासी अपने घर में ही भट्टी चलाता है। उसके घर से जावा महुआ और देसी शराब बरामद किया गया था, जिसे वहीं पर नष्ट कर दिया गया है। अतिरिक्त राशन कार्ड रखने पर जुर्माना वसूली का आदेश। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने मेहरमा प्रखंड के 2 कार्डधारी पर अलग अलग जुर्माना निर्धारित किया गया है। कार्डधारी का नाम रुबेदा खातून पति शेख अनी एवं दूसरे कार्डधारी का नाम शबनम खातून पति शेख शमशाद के द्वारा 1 से अधिक राशन कार्ड का लाभ लिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति परिवार 1 राशन कार्ड रखने का प्रावधान है। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार इनके परिवार में 1 से अधिक राशन कार्ड है। उठाव के लिए गए खदान से समतुल्य राशि वसूली की अनुशंसा की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी महागामा के अनुशंसा के आलोक में राशन कार्ड संख्या 2020097409 03 से 40,180 रुपये एवं राशन कार्ड संख्या 2020076776540 से 28,700 रुपये कुल 68,880 रुपये का जुर्माना राशि जिला नजारत शाखा गोड्डा में 3 दिन के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उक्त परिवार के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। CM के शिकायतवाद पर आज सुनवाई। निशिकांत दुबे फेसबुक व ट्विटर पर किया है 100 करोड़ का मानहानि का दावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायतवाद दाखिल किया है। सोशल मीडिया पर अनगलन टिप्पणी को लेकर निशिकांत दुबे के साथ फेसबुक और ट्विटर को भी आरोपित बनाया है। सब जज बन वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई होनी है। CM ने तीनों आरोपितों के खिलाफ 100 करोड़ रुपये मानहानि का दावा किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दाखिल शिकायतवाद पर शनिवार को सब जज वन वैशाली श्रीवास्तव के अदालत में सुनवाई हो सकती है। सोशल मीडिया पर अनगलन बयानबाजी और छवि धूमिल करने को लेकर CM हेमंत सोरेन ने 4 अगस्त को सांसद के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराया था। CM ने गोड्डा सांसद के अलावा फेसबुक और ट्विटर को भी आरोपी बनाया है। झारखंड में जल्द ही दूसरा एयरपोर्ट देवघर में बनाया जाएगा। प्रदेश में अभी रांची ही एयरपोर्ट है। देवघर एयरपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और राज्य सरकार के सहयोग से विकसित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2018 को झारखंड के सिंदरी में वीडियो लिंक के जरिए देवघर एयरपोर्ट की नींव रखी थी। शहरी फीडर में 2 घंटे भी बिजली नसीब नहीं।
पिछले चार दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से आम जीवन जहां बेहाल है, वहीं दूसरी ओर शहर की बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह चौपट हो चुकी है। इसके कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है। स्थिति यह है कि भीषण गर्मी के बाद भी शुक्रवार को शहरी फीडर वन में बिना पूर्व सूचना के बिजली विभाग ने सुबह से ही घंटों लाइन काट कर रख दिया। इसके बाद ग्रिड से भी करीब एक घंटे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रही। इसके कारण शहरी फीडर और तीन में शुक्रवार को शाम 4 बजे तक महज 1-2 घंटे ही बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकी। शाम में बिजली आई लेकिन आंख मिचौली का खेल जारी रहा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।